और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने एक बयान में कहा था कि विष्णुदेव साय सरकार के 3 महीनों में ही हाफने लगी है और 3,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जिस पर भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बैज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दीपक बैज विधानसभा चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे, साथ ही उन्हें लोकसभा के लिए सीट भी नहीं मिली। ऐसे में जब उनकी दुकान बंद हो चुकी है तो उन्हें किसी भी तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। दीपक बैज जी की दुकानदारी बंद हो चुकी है। पहले विधानसभा चुनाव हारना, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष होते हुए जिस तरीके का विरोध उनके अंदर खाने में हो रहा है, एक टिकट के लिए वो दिल्ली से रायपुर तक घूमते रहे, लेकिन उस टिकट के लायक दीपक बैज जी को नहीं समझा गया। जो एक टिकट नहीं पा सका वो इस प्रदेश का नेतृत्व क्या करेगा? तो मुझे लगता है कि हाँफने की संज्ञा भी शायद वो भूल गए हैं। हमने तो 3 महीने के अंदर वो काम किया जो ये 5 साल में नहीं कर पाए। 3 महीने के अंदर में जो हमने गारंटी, मोदी जी की गारंटी का जो वादा हमने किया था, मेहतारी वंदन की बात करें, 2 साल के बोनस की बात करें, अंतर की राशि की बात करें, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, 3 महीने के अंदर में, एक समय सीमा के अंदर में हमने इन कामों को किया है। तो मुझे लगता है इतनी सारी योजनाओं को देखकर अब दीपक बैज बैठे बैठे हाँप रहे हैं, इसलिए